नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो, आपके साथ मैं हूं नवेद। अभी तक देख रहे थे आप फटाफट खबरें, और चलिए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। उरी हमले में महाराष्ट्र के 4 जवान शहीद हुए हैं। एक जवान की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, तो एक जवान के 2 साल का एक मासूम बच्चा है। इन शहीदों के घर से लेकर गांव तक में मातम पसरा है। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो सरकार ने शहीदों के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। जिस घर में कुछ दिनों बाद शादी की शहनाई सुनाई देने वाली थी, आज मातम पसरा है। जहां दिन रात अपने लाडले की शादी की तैयारियों की बातें हो रही थी, अब अर्थी सजाने की तैयारी चल रही है। साल के संदीप सोमनाथ ठोक को देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का जुनून था। किसान परिवार से आए इस युवा ने डिप्लोमा तक पढ़ाई की थी। 2014 में संदीप का सपना पूरा हुआ, बिहार रेजिमेंट में भर्ती होकर। घर में 2 साल पहले उत्साह था, पर उरी से आई खबर से आज माँ बाप भाई बहन सदमे में हैं। नासिक के खंडांगली गांव के लोगों को संदीप की शहादत पर गर्व है, लेकिन अब चाहते हैं कि सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। हमारे परिवार की जो हानि हुई वो हानि कभी नहीं बस, और सरकार को कुछ ठोस उपाय करना चाहिए। यानी कि जो आतंकवादी है, जो घुसखोर है, जो पाकिस्तानी है, उनको सड़े तोड़ जवाब देना चाहिए। यही मेरी सरकार से मांग है। लश्कर के आतंकवादी हमले में सातारा के जासी गांव के चंद्रकांत गलांडे भी शहीद हो गए। 27 साल के चंद्रकांत 4 साल पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे। चंद्रकांत का एक 4 साल का और एक 2 साल का छोटा बच्चा है। ये बच्चे अभी तक पिता का साया सर से उठने का मतलब भी नहीं समझते हैं। घर में पत्नी माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पाकिस्तान ने एक चंद्रकांत मारला तरी आमचे हजारो चंद्रकांत उभे राहणार आहेत। पाकिस्तान ने आमचा नाभ करू नये आणि आम्हाला त्याचा अभिमान आहे। चंद्रकांत के पिता ने अपने तीनों बेटों को देश सेवा के लिए फौज में भेजा। आज अपने बेटे पर उन्हें गर्व है। इसी साल में सतारा जिले की मान तहसील से ये दूसरी शहादत है। इससे पहले यहीं के सुनील सूर्यवंशी सियाचिन में दुश्मन से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हुए थे। सतारा से इम्तियाज मुजाबिन और नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो।